हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो होम थिएटर रिपेयरिंग का, और इस होम थिएटर में जो है ब्लूटूथ में लाइन नहीं आ रही, पावर नहीं आ रही, और इसका जो है ब्लूटूथ काम नहीं कर रही है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में इस होम थिएटर में इंटेक्स का जो है इसमें आपको न्यू ब्लूटूथ किट कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, और इसके जगह में बहुत ही अच्छा तरीके से एक छोटा सा ब्लूटूथ किट को इंस्टॉल कर पाएंगे फ्रेंड। तो इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी जाके अब इस बोर्ड को इंस्टॉल कर पाइएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते फ्रेंड। तो मैं फ्रेंड यहाँ पे चेक कर रहा हूँ 5 वोल्ट यहाँ पे पहुँच रही है कि नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ को ऑन होने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पे जो है फ्रेंड 5 वोल्ट मुझे मिल रही है, मैं आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे वोल्टेज तो यहाँ नहीं आई, देखिए फ्रेंड यहाँ पे 4.5 वोल्ट या 5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आ रही फ्रेंड। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ये सर्किट बोर्ड है हीट हो रही है, टेम्परेचर हाई बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जिस कारण से यहाँ पे ब्लूटूथ सर्किट जो है ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे न्यू सर्किट बोर्ड मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो भी छोटा सा जो मार्केट में इजीली लोकल में जो मिलती है, उस ब्लूटूथ किट को इस होम थिएटर बोर्ड में लगा के दिखाएंगे फ्रेंड। यहाँ पे भी बहुत ही कनेक्शन इसका इजी है, इसका डायग्राम भी आपको स्क्रीनशॉट में मतलब स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे फ्रेंड, और वहाँ से जाके अब इस डायग्राम के अनुसार इसका कनेक्शन कर पाएंगे फ्रेंड। बहुत ही इजी कनेक्शन है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है यूएसबी के लिए यूएसबी में, और वॉल्यूम का लेफ्ट राइट जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आईआर सेंसर का यहाँ पे कनेक्शन होगी फ्रेंड, यहाँ पे सारे बटन का कनेक्शन होगी जो कि डायग्राम आपको दिखाएं फ्रेंड। और जहाँ पे 5 वोल्ट ग्राउंड लिखे हुए वहाँ पे 5 वोल्ट देंगे, और यहाँ पे यूएसबी सॉकेट का कनेक्शन होगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे फिलहाल मैं इस सर्किट बोर्ड को खोल लेते हैं, जो कि जो टेम्परेचर हीट हो रही है इस सर्किट बोर्ड को खोल के निकाल देनी है, उसके बाद ही यहाँ पे सारा कनेक्शन को हम कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए सर्किट बोर्ड को खोल के निकाल लेते हैं फ्रेंड। पहले भी मैंने इस होम थिएटर में वॉल्यूम को लगाया था फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे सारे क्लिप को लगा लेते हैं। और चलिए फ्रेंड, क्लिप हमारा जो है सारा क्लिप सिस्टम आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा पावर वाला एक पॉइंट टूट चुकी है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सोल्डिंग कर लेंगे अंदर से, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए यहाँ पे यूएसबी सॉकेट के लिए हेवी क्लिप दिया हुआ, और प्लस में प्लस का यूनिट किया हुआ फ्रेंड, तो इसका भी कनेक्शन आपका गड़बड़ नहीं होगी। और प्लस में 5 वोल्ट VCC करके लिखा होगा फ्रेंड यूएसबी में, और कुछ कुछ कनेक्शन जो है डायग्राम के अनुसार आप यहाँ पे करेंगे फ्रेंड। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, और मैं आपको करके दिखाता है फ्रेंड। तो प्लीज़ फ्रेंड, जो भी चैनल इस चैनल पे न्यू पहली बार वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर सारा कनेक्शन को आपको करके दिखाते हैं फ्रेंड, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको करके दिखाएंगे फ्रेंड। मैंने फ्रेंड डायग्राम जो कि डायग्राम मैंने दिखा दिया, सिंपल सा डायग्राम है और सिंपल सा कनेक्शन है फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपको मैं दिखाते हैं वॉल्यूम का कनेक्शन को। फिलहाल यहाँ पे जो भी है माइनस पॉइंट जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड में दे देंगे फ्रेंड, और वॉल्यूम में भी ग्राउंड को ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे फ्रेंड, ताकि वॉल्यूम का एक पॉइंट जो है आपका ग्राउंड होगा फ्रेंड। अब ये जो हमारा पॉइंट है, 2 पॉइंट को मैं यहाँ पे वॉल्यूम में लगाऊंगा, 1-2 पॉइंट जो हमारा ब्लूटूथ किट से आ रही है, तो एक इस साइड में लग जाएगी फ्रेंड और एक इस साइड में, तो 6 पिन वाली वॉल्यूम है, उसमें लेफ्ट राइट का कनेक्शन कुछ इस तरीके से आपका होगा फ्रेंड। अगर इससे भी ज़्यादा डिफाइन आपको चाहिए वीडियो, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा फ्रेंड सेकेंड चैनल पर, वहाँ जाके मैं इसके लिए पूरी डिफाइन करके आपको बता सकता हूँ फ्रेंड। इसलिए फ्रेंड यहाँ पे ग्राउंड को ग्राउंड के साथ मैं यहाँ पे ब्लूटूथ किट में कनेक्ट कर दिया हूँ फ्रेंड। यहाँ पे ग्राउंड वाली तार टूट चुकी थी और प्लस वाले भी, तो यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड, और वहाँ पे पॉजिटिव वाले सर्किट बोर्ड में कनेक्शन करेंगे फ्रेंड। तो फिलहाल मैंने 2 कनेक्शन को यहाँ पे ब्लूटूथ किट से निकाल लिया हूँ 5 वोल्ट देने के लिए फ्रेंड। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो है 5 वोल्ट निकल चुका है, और इसको सर्किट बोर्ड में ग्राउंड को ग्राउंड के साथ, ये हमारा ग्राउंड पॉइंट है फ्रेंड, इस ग्राउंड पॉइंट में ग्राउंड को दे देंगे फ्रेंड। और जहाँ से फ्रेंड हमने मल्टीमीटर से चेक किया था 5 वोल्ट आ रही है, उस पॉइंट को फिर से चेक करेंगे फ्रेंड, और उस जगह पे ही मैं यहाँ पे 5 वोल्ट लेके इस ब्लूटूथ सर्किट बोर्ड को ऑन करेंगे फ्रेंड।
तो चलिए ऑन करते हैं कनेक्शन करके फ्रेंड। तो फ्रेंड जो इस चैनल पे न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं 5 वोल्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद जो हमारा ब्लूटूथ किट है सर्किट बोर्ड ऑन हो जाएगी। ऑन तो हो चुकी है फ्रेंड। अब हमारा सर्किट, अब यहाँ पे पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम बोल रहे हैं बटन का स्विच का कनेक्शन करेंगे फ्रेंड। तो ग्राउंड का सब वॉल्यूम में एक पॉइंट को ग्राउंड किया जाता है फ्रेंड, उसके बाद बाकी जो पॉइंट होती है 5 वॉल्यूम 5 बटन या 4 बटन जितना भी हो उस बटन में कनेक्शन की जाती है। तो चलिए फ्रेंड, एक वॉल्यूम का जो बटन है उसको यहाँ पे चेक कर करके देख रहे हैं फ्रेंड, कौन सा बटन कौन सा काम कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड के साथ हम शॉर्ट कर करके चेक कर रहे हैं, जैसे कि UX मोड ये सब चेंज हो रही है। तो इस हिसाब से आप पता करके अपना जो है वॉल्यूम का कनेक्शन को इजीली कर पाएंगे फ्रेंड। और जो है सर्किट डायग्राम दे दिया हूँ उसके अनुसार भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे करेंगे कनेक्शन। सारा चीज़ मैं आपको चेक करके दिखा दिया हूँ और इस सारे चीज़ को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट नहीं मिल रहा फ्रेंड, तो इसको ग्राउंड पॉइंट बना देते हैं फ्रेंड, छोटा सा तार को यहाँ लगा के। तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। सो वॉल्यूम बटन के पास ग्राउंड नहीं मिल रही थी फ्रेंड, तो यहाँ पे ग्राउंड हमने बनाया हूँ बटन के लिए। तो आपको हम थिएटर में भी नहीं हो और बाय चांस किसी अदर हम थिएटर में भी इस बोर्ड को इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ इसी तरीके से सेम कनेक्शन होगी और इस कनेक्शन को करके सारे हम थिएटर में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए बटन का जो भी कनेक्शन है सारा यहाँ पे कनेक्शन को इंस्टॉल कर रहे हैं फ्रेंड। तो हो चुका है फ्रेंड और मैं आपको चेक करके भी आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे बटन भी हमारा सही तरीके से काम कर रही, कुछ फॉल्ट हो सकता है फ्रेंड, तो इसको भी सुधार आप सकते हैं इजीली। हमारा ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने सुधार चुका हूँ और वॉल्यूम भी ठीक, ब्लूटूथ किट सर्किट जो भी सारा फंक्शन यहाँ पे इजीली वॉल्यूम अप डाउन चैनल चेंज गाना चेंज जो भी है सारा चीज़ यहाँ पे हमारा जो है काम कर रही है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे बच गई है हमारा ऑडियो आउटपुट के लिए थोड़ी आउटपुट जो है हमारा यहाँ पे, जिससे कि मैंने बताया था यहाँ पे 2 पॉइंट में जोड़ेंगे और ग्राउंड का जो कि पहले भी करके दिखाए थे फ्रेंड, तो कनेक्शन फिर से मैंने खोल दिया था, फिर से भी आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं फ्रेंड और ये लेफ्ट राइट ये हमारा कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड, और ग्राउंड को ग्राउंड में और लेफ्ट राइट को लेफ्ट राइट में, जैसे कि यहाँ पे बीच वाली पॉइंट जो है ग्राउंड होती है इसलिए मैंने ग्राउंड में दिया। बाकी 2 पॉइंट जो बच गए इस 2 पॉइंट को आपको दिखाते हैं कहाँ पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो चलिए ये 2 पॉइंट है, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो साउंड कहाँ पे मिलेगी फ्रेंड लगा के, जैसे कि यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर लगा के किस में बजेगी। तो यहाँ पे चेक करते हैं साउंड, हाथ दे के जहाँ पे आपका साउंड मिल जाएगा वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और आपका जो है होम थिएटर अच्छे तरीके से साउंड वर्क करने लगेगी फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से जो हमारा होम थिएटर है अच्छी तरीके से काम करने लगी है फ्रेंड। फिलहाल अच्छी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड। तो 2 पॉइंट लेफ्ट एंड राइट दोनों पॉइंट यहाँ पे मिलेगी फ्रेंड। तो लेफ्ट एंड राइट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ और मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा लास्ट में। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो है वॉल्यूम वॉल्यूम सब काम कर रही है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हम लोग IR सेंसर का कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। एक पॉइंट ग्राउंड होती है, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ कनेक्शन करके ही। तो चलिए फ्रेंड, एक पॉइंट आपका जो ग्राउंड होगा उसको ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट करना होगा फ्रेंड। इसका जो है डायग्राम आपको मैं सर्किट डायग्राम आयर सेंसर का कनेक्शन का सर्किट डायग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या नहीं तो सर्किट डायग्राम जो आपको दिख रहा था कुछ उसी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करना है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ 3 वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो आयर सेंसर का सर्किट डायग्राम आपको दे दूंगा जिससे कि बिजली यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे फ्रेंड। तो आयर सेंसर का मैंने कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट को कनेक्ट किया, एक पॉइंट आपका जो है प्लस होती है और एक
नेगेटिव और एक डाटा का, जो भी डाटा आयर सेंसर इस सर्किट बोर्ड को देती है फ्रेंड। तो चलिए आयर सेंसर को भी मैंने कनेक्ट कर लिया और इसका जो है सर्किट डायग्राम मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आयर सेंसर के बारे में जान पाएंगे फ्रेंड और नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साथ ही यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कनेक्शन नहीं है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे फ्रेंड हम लोग USB का सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। ये चार पॉइंट है तो ये एक पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया प्लस, और तीन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो चलिए USB सॉकेट का यहाँ पे कनेक्शन अपना जो है माइनस प्लस को देख के यहाँ पे कनेक्शन करेंगे मल्टीमीटर से, कहाँ पे माइनस मिल रही है कहाँ पे प्लस। कभी कभी होता है कि गलत भी चाइना कोई भी हो तो कभी कभी कनेक्शन गलत भी आ जाती है, तो सर्किट बोर्ड को देखने से आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन अधिकांश ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती फ्रेंड। आप देखिए फ्रेंड मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे USB भी काम करने लगेगी इजीली। कुछ इस तरीके से ही कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ माइनस प्लस मिलाना है, उसके बाद डाटा जो है सीरियल बाय आपका लग जाएगी। आप चलिए फ्रेंड इस ब्लूटूथ किट को यहाँ पे इजीली चिपका देंगे ताकि एक अच्छी तरीके से शोभा में दिखेगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे इस ब्लूटूथ किट को चिपका लेते हैं फ्रेंड, और कुछ इस तरीके से हमने चिपका लिया हूँ फ्रेंड और बहुत ही ईजिली यहाँ पे इंस्टॉल कर पा रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फ्रेंड, और जो इस चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है फ्रेंड। तो चलिए हमारा जो है यहाँ पे सारा चीज़ को इंस्टॉलेशन इंस्टॉल कर चुका हूँ और मैं इसको लगा देते हैं और पूरी सेटअप करके दिखाते हैं। फ्रेंड हमारा जो पूरा सेटअप हो चुका है और मैं आपको साउंड भी टेस्ट करके दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे।